नालागढ़ में सरकारी जमीन के कब्जे को लेकर मास्टर सुरेंद्र सिंह व बांका आमने सामने। दोनों की नालागढ़ बाजार की प्रतिष्ठित हस्तियां और लगा रहे एक दूसरे पर आरोप। नालागढ़ के ईश्वरी गौशाला के प्रधान मास्टर सुरेंद्र सिंह पर नालागढ़ के ही बांका राम ने लगाया सरकारी जमीन कब्जा करने व गौशाला की भूमि को अपने परिवार व अपने चहेतों को अपने पद का दुरुपयोग कर बांटने का लगाए गंभीर आरोप। वहीं दूसरी तरफ मास्टर सुरेंद्र सिंह ने भी बांका राम पर लगाए थे सरकारी भूमि को कब्जा करने के आरोप। देखिए खास रिपोर्ट। ठीक है ना। सर जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है वो क्या मुद्दा है ये बताइए। आज से तकरीबन दो दिन पहले हमारे शहर के एक बड़े समाज सेवी मास्टर सुरेंद्र जी ने जो आरोप हमारे ऊपर लगाए हैं कि इन्होंने नाले पे कब्जा कर लिया, रातों रात बिल्डिंगें खड़ी कर दी, उसके एवज में हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमने रातों रात जो है वो कौन सी बिल्डिंग है यहाँ पर ले आके रख दी बाहर से बना के। और इनका लड़का जो मेरे बाहर शामलाट पड़ी है सब बसंत, उनकी वाइफ जो है कमेटी में भी है, बाहर एक ही मेंबर है, तो कुछ दिन पहले वो मेरे पास आए थे कि ये जो प्लॉट शामलाट का पड़ा है भी हमारे को यहाँ खोखा रखने को। तो मैंने उनसे ये कहा भी ना हमने कुछ रखना है ना रखना देना ना रखने देंगे। उसके एवज में जो है मास्टर जी ने ये जो फ्लेम लगाए हैं, ये गुंडे हैं, बदमाश हैं, हमारे को ये बोला वो बोला, ऐसा कुछ नहीं है, हमने किसी को कुछ नहीं बोला ही। और मास्टर जी की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन मास्टर जी नजायज़ कब्जा करने के चक्कर में पड़े हुए हैं अभी ताकि एक दुकान और बन जाए। हालांकि पौड़ी भी जो है उन्होंने दो नंबर में चढ़ाई है वहाँ से जी शामलाट से, और मेरे ख्याल में ये पटवारी जी आए थे जो उन्होंने ज़मीन है सारी आयुर्वेदिक विभाग की निकाली है। ये जो इनकी दुकान है ये भी दो नंबर में ही है, इनके पास कोई ऐसा कागजात नहीं है जो ये बोल सके कि हमारी, मेरे को ये बोलते हुए जो ये प्लॉट खाली पड़ा है ये भी हमने मोल लिया हुआ है। तो सरकारी जगह इन्होंने किससे मोल ली यही बताएंगे जी आपको आगे के लिए। नहीं तो आपके खिलाफ उन्होंने ऐसा क्यों बोला, मतलब कारण क्या था? ये कारण यही है जी भी आप शामलाट जो है हमारे को कब्जा कर देते। क्या आपने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ? नहीं हमने कोई कब्जा नहीं किया, हम बोल रहे हैं कि खुली पड़ी रहने दो, कोई आता जाता अपना स्कूटर मोटरसाइकिल लगा देता बेचारा, हॉस्पिटल बन रहा है कोई चलो कार लेके आ जाता कार ले आके या स्कूटर लगा लेता है, बिना हम कंस्ट्रक्शन करेंगे ना ही करने देंगे। उसकी एवज में जो है इन्होंने ये खिचड़ खाना पका दिया कि ऐसे है जी हमारे को मारने के धक्के दे रही है ये। हालांकि बाहर कैमरे लगे हुए हैं, ये बता दें वहाँ हम दिखा देते हैं अभी कब हम इनकी दुकान के पास गए, कब हमने इनको जो है दबका दिया किसी बात का है जी। और हम जल्दी आरटीए निकालेंगे और हमने अपने फील्ड से भी बात की है जो ये गुंडा लुच्चा बता रहे हैं और महारानी का दावा भी करेंगे। तो जो एलिगेशन आपके खिलाफ लगाए गए थे उसमें क्या मुद्दा उठाया गया? यही मुद्दा उठाया अभी नाले पर दुकान बना ली है और जो ये कंस्ट्रक्शन हम पीछे कर रहे हैं आपको दिखाई है मैंने अभी गोबरी बाउंड्री के अंदर ही हैं, उससे कहीं भी बाहर नहीं है। अगर ये बाहर आते हैं तो हम कोई बात नहीं, ये आयुर्वेदर की जगह है ये अपना दुकान गिरा दें, हम भी जो हमारा निकलेगा ये हम तोड़ देंगे। आपने क्या कंस्ट्रक्शन से पहले कोई डिमार्केशन वगैरह करवाई है कभी जमीन की इसकी? हाँ जी हाँ जी, ये हमारी दादा लाई ज़मीन है सारी जो है, 1998 में इसकी रजिस्ट्री हुई है, इतनी ही जो पीछे कंस्ट्रक्शन हो रही है इसकी, बाकी तो हमारी पुश्तैनी है जी। अच्छा आपने आरोप लगाया कि इन्होंने भी अवैध कब्जा कर रखा है, कहाँ कहाँ कर रखा है तो आपको तो कुछ है। एक तो ये बाहरी है मेरे गेट पे ही, हाँ एक तो मेरे गेट के पास ही है जिस प्लांट के झगड़े में पड़े हुए हैं अभी हमारे को दो, और उसके अलावा कहीं और बाकी सरार जी बैठे हैं उनको बताएगी सारा इस बारे में। अच्छा आप क्या चाहते हैं अभी क्या होना चाहिए क्या करना है? अगर इन्होंने नजायज कब्जा किया हुआ दुकान का ये गिराई जाए, हम यही मांग करते हैं। अब आपके खिलाफ जो भी आरोप लगाए हैं क्या उसके लिए आप कोई लीगल एक्शन लेंगी? हाँ जी मैं इन पर केस डालूंगा जी, मानहानि का डालूंगा जी। हाँ जी सरदार जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरमीत सिंह है।
वार्ड नंबर 1 नालागढ़ से मैं। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस आए, क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले में? हाँ जी, ये मेरे बड़े भाई साहब, इनको कल कुछ इनके खिलाफ कंप्लेंट करी है, मास्टर सुरेंद्र जी जो बड़े वरिष्ठ समाज सेवी है नालागढ़ के, तो ये इनके साथ कोई ये एक तरह से धक्का ही हो रहा है। हमने मैंने मौका आके देखा, इनकी कोई मौके पर कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, परंतु दूसरी तरफ आयुर्वेदिक की जो जगह है उसके ऊपर इनकी मास्टर जी की खुद की इंक्रोचमेंट पाई गई है। पर मैं ये कहता हूँ, अगर कोई इंक्रोचमेंट पाई जाती है मैं बड़े भाई साहब हम हटा लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, पर कार्रवाई बराबर हो दोनों के ऊपर, उधर भी कार्रवाई हो, जो इन्होंने खुद जो दुकान है जो इनके नाम कागज ही नहीं है, वो पटवारी जी खुद बोल के गए हैं अभी इनका कब्जा है आयुर्वेदिक दुकान के ऊपर, तो ये चाहते हैं मौके पे भी हमारा एक आधा पुखा लग जाए और 5-6 हज़ार रुपये की आमदनी हमारे को और आनी शुरू हो जाए। चलो, ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, उन्होंने भी आरोप इनके ऊपर लगाए, तो आप क्या उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई लीगली आपके पास कोई एविडेंस है जो आप कार्रवाई? देखो ऐसे है जी, ये धांधली नालागढ़ में बहुत बड़े पैमाने पे चल रही है, मैंने पहले भी मुद्दे उठाए हैं, ठीक है, तो मैंने पहले माननीय हाई कोर्ट में मैंने पहले भी दरवाज़ा खटखटाया है। उसके बाद जो है इन्होंने 4 दुकानें बनाई हैं SBI बैंक के साथ, जिसकी आज की डेट में मौजूदा अगर आप कीमत लगाओ तो कम से कम 1.5 करोड़ रुपये की दुकान है वो, तो इन्होंने वो किसी भी गवर्नमेंट की मंजूरी के बगैर वो वहाँ पर 4 दुकानों का निर्माण किया। जब मैंने उसकी कंप्लेंट DC महोदय, फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू, SDM नालागढ़, मैंने सभी डिपार्टमेंट को कंप्लेंट करी, उसके बाद जब वो मौके पर लपाई की गई, 44% जो है वो कंस्ट्रक्शन है चारों की चारों दुकानों की अप्रूव मैप से ज़्यादा निकली है, तो वो सारी की सारी दुकानें हैं मौके पर वैध पाई गई है। उसके बाद माननीय SDM साहब ने ये देखो सारी की सारी रिपोर्ट करी है, उसमें मैं 2 मिनट लूँगा आपको, मैं 2 पॉइंट पढ़ के बताता हूँ। इसमें साफ साफ लिखा है, परंतु श्री गौशाला समिति द्वारा जहाँ पर दुकानों का निर्माण करके उक्त भूमि का व्यवसायीकरण किया गया है, जो कि एक प्रकार से सरकारी भूमि पर कब्जा करने के बराबर ही है, गौशाला के संचालकों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए कुछ व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रखते हुए श्री गौशाला परिसर में दुकानों का निर्माण किया गया है, तथा निर्माण आवंटन में सभी प्रक्रिया को नियमों की अवहेलना की गई है जो नीति संगत नहीं है। और इसमें दूसरा इन्होंने साफ साफ लिखा है, उक्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए सिफारिश की जाती है कि रकबा प्रदेश सरकार थाना कास्ट कब्जा ईश्वरी गौशाला भूमि वाक्य मौजा उप महाल मिनी सेक्टर किता रकबा तदादी 8000। ऐसा है, वार्ड नंबर 1 में गौशाला के साथ एक नाला है, उस नाले के ऊपर एक दुकान बना ली गई थी, तत्कालीन SDM साहब ने उसको गिरवा दिया, नाले पर लेंटर डाल के सरकारी नाला है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है और उसको गिरवा दिया। अभी कुछ 1-2 महीने पहले वहीं पर जो दुकान गिराई थी दोबारा दुकान बना दी गई। एक नाला स्वारगढ़ रोड से मार्केट के पीछे पीछे यहीं आकर मिलता है। अभी 2 महीने पहले स्थानीय दुकानदारों ने 80,000 रुपये इकट्ठा करके उसमें पाइप डलाया ताकि बदबू ना आए, मच्छर मक्खी ना फैले। उसी अवैध कब्जाधारी ने इस नाले पर भी अवैध कब्जा करने का काम किया। सरकारी नाला है, अभी 2 महीने पहले ही बना, उसके ऊपर भी उसे नजायज कब्जा कर लिया। तो हमारी प्रार्थना ये है कि नुकसान ना हो, अवैध निर्माण को रोका जाए और शर्याम नजायज कब्जा हो रहा है, इलीगल हो रहा है और उनको रोका जाए ताकि कोई नुकसान ना हो। एक शिकायत DC साहब को, SDM साहब को 4 तारीख को कर दी है और उनको उसकी कॉपी दे दी है। अब वो 1100 नंबर पर कंप्लेंट की थी हेमंत कुमार ने, वो पीछे उसकी कार्रवाई होगी उसको सूचना ही नहीं थी, वैसे ही मैसेज आया कि वो दफ्तर दाखिल हो गई है। जब हेमंत कुमार ने पुनः 200 नंबर पर कॉल किया कि मेरे से ना कोई पूछा गया है ना मेरी कोई साइन हुआ है, मुझे बुलाया तक नहीं गया, फिर दोबारा प्रशासन ने कार्रवाई हुई उसके ऊपर, पटवारी आए थे तो उसको सारा रिकॉर्ड दिखा दिया, डॉक्यूमेंट दिखा दिए, मसावी दिखा दी कि सरकारी जगह है इसके ऊपर नजायज कब्जा हो रहा है और पहले वहाँ से दुकान गिरवा दी गई थी। तो वो कल आए थे पटवारी जी, उसको बताया कि जी आप ये जो लोग जिन्होंने पैसा इकट्ठा किया है इनसे पूछो, इनके बयान लो और उसके प्रेजेंट पोजिशन देखो, यहाँ एक सर्विस स्टेशन बना हुआ था उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, देखे ना रेता डाल दिया उसके ऊपर, अब ये किसी भी वक्त उसके ऊपर फर्श डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्योंकि झगड़ालू किस्म के लोग हैं, पूरा नगर जानता है,
तो ऐसी बात ना हो, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि अवैध कब्जाधारी को तुरंत रोका जाए और इसमें सरकार के कानून की भी अवहेलना है। नजायज कब्जे को हाईकोर्ट के सख्त आदेश है, उसके बावजूद दिन दहाड़े हो रहा है, तो प्रशासन को थोड़ा एक्टिव होकर इसको रोकना चाहिए ताकि ऐसा ना हो। अगर ऐसा है, अगर वैसे कार्रवाई तो होगी, थोड़ी डिले हो सकती है, उसको रोक तो तुरंत लगानी चाहिए प्रशासन को, तो जो एज इट इज है इसको न छेड़ा जाए ताकि नुकसान न हो। तुरंत उसको रोक लगाने के बाद तो कार्रवाई होगी, पूरी उम्मीद है, अन्यथा फिर हाईकोर्ट है कि ये डालेंगे तो सारी पोजीशन वहाँ पर रखेंगे। और अवैध जो है हाईकोर्ट में तो कोई किसी की अप्रोच भी नहीं चलती ना, जैसे कोई कह रहा है कि पुलिस मेरी मुट्ठी में है, मेरे कोई कुछ नहीं कर सकता, हाईकोर्ट में तो किसी का बस नहीं चलता, वहाँ तो जो होगा और फैक्ट्स ही होगा, तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे।